नमस्कार दोस्तों, रुद्र ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के लोक देवी देवता। राजस्थान के लोक देवी देवता कौन कौन से हैं उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल के घंटे को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मेरा मैं जो भी डालूँ वो आप तक सबसे पहले मिल सके। तो आज हम शुरू करते हैं वीडियो को और आज का टॉपिक है राजस्थान लोक देवी देवता। राजस्थान के लोक देवी देवताओं में पांच पीर माने गए हैं, जिनों में बाबू जी है, अड़बू जी है, रामदेव जी और मियाँ जी और लास्ट में गोगा जी। इन पांचों पीरों को हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम लोग भी मानते हैं, दोनों समुदाय इसको मानते हैं। बाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मियाँ, इसका ट्रिक भी है। पांचू पीर भदारियू गोगा जिया और पांच पीर है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू जी या बाबू राठौड़ के बारे में। बाबू राठौड़ का जन्म कोलू मंड जोधपुर में हुआ था और पिता का नाम धांधल था, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फुलम दे था या सुप्रिया दे। अमरकोट की राजकुमारी थी, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और बाबू जी की घोड़ी का नाम भी आपको पता ही है, केसर कालमी था। और सहयोगी दो भील थे जिन्हों का नाम सांधा और डामा। देवल नामक सारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच से उठकर आ गए थे तथा देसु गांव जोधपुर में जिंद्राव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों, जिंद्राव खींची जो उनका सगा बहनों ही था, उनके साथ में युद्ध हुआ था इन्हों का। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सांधा व डामा नामक दो भील भाई उनके सहयोगी थे। ठीक है, बाबू जी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले बाबू जी ही थे। रायका, रेबर या देवासी ऊंट पालने वाली जाति हैं, बाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबू जी ने सात थोरी जाति भाइयों को शरण दी थी। थोरी जाति के सात भाइयों को शरण दी थी। कोलूमंड जोधपुर में चैत्र अमावस को बाबू जी का मेला लगता है, होली के 15 दिन के बाद में। बाबू जी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ भील जाति के भोपे। फड़ को गाते समय रावण अतावा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बाबू जी के पुजारी को भोपे बोलते हैं। बाबू जी के पावड़े या भजन किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले माठ या बड़े मटके की तरह का वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। आसिया मौड़ जी की पुस्तक बाबू प्रकाश इन्होंने लिखी थी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे लोकप्रिय देवता रामदेव जी। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। जन्म स्थान ऊंडू काश्मीर बाड़मेर में है। पिता का नाम अजमल थी और माता का नाम मैणा देवी और पत्नी का नाम नेतल दे। अमरकोट की राजधानी ये भी थी। और रामदेव जी का मंदिर रूणीसा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पर परसा या परसा बावड़ी है। परसा में इनके समर्थकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, रामदेव बाबू जी की और रामदेव जी का विवाह अमरकोट की राजकुमारियों से हुआ था। दोनों का एक ही जगह हुआ था, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रामदेव जी की पुस्तक सौबीस बाणियाँ। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 तैली नृत्य किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल समाज की थी, जिसने रामदेव जी की धर्म बहन थी उसने भी समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में पलंगे पूजे जाते हैं, पैरों का चित्रण पगले पूजे जाते हैं। नेजा रामदेव जी का झंडा या पंचरंगा नेजा
या दर्जा बोला जाता है। लीलो, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। जमो, रामदेव जी के जागरण को जमा कहा जाता है। और रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त जिसको रिखिया कहा जाता है। अब है तीसरे बड़े प्रमुख देवता जिन्हों का नाम है गोगा जी। गोगा जी स्वान जाति के राजपूत थे। जन्म स्थान दरेवा सुरु के अंदर है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था तथा गजनवी ने उन्हें जहीर पीर या साक्षात देवता कहा था। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सरंग के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। ददरे का के मंदिर को शीर्ष मांडी, सिर कटका, सिर धागा, गोगा मेड़ी के मंदिर को धूर मेड़ी या धड़ कट कर गिरा था, इसलिए धूर मेड़ी नाम पड़ा। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। मंदिरों को मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरा शैली से में बना हुआ है। मंदिर में बिस्मिल्ला लिखा हुआ है। खिलेरियों की ढाणी चांसोर जालोर में गोगा जी की ओली बनी हुई है। छोटा मंदिर जिसको बोलते हैं ओली। अब तीसरे बड़े सोते जो कि देवी देवता है उसका नाम है हड़बू जी सांकला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी मई के बेटे जिसको मौसेरे भाई कहा जाता है। उन्हें जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे एक कठार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने उन्हें बेंगटी जोधपुर गांव दिया जहां पर वे बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहां मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी का वाहन सिंहार है। हड़बू जी शकुन शास्त्र भविष्य वक्ता के ज्ञाता थे। अब है प्रमुख देवी देवताओं में मेहा जी मंगलिया। मुख्य मंदिर बापिनी जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर के रंगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। इनके घोड़े का नाम किरड काबरा था। इनके भोपे के वंश वर्दी नहीं होते हैं, ये संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। अब तेजा जी जाठों के प्रमुख देवता। पांच पीर में तेजा जी का नाम नहीं आता है। खरनाल नागौर में एक जाट परिवार में जन्म हुआ था। पत्नी पेमल दे। तेजा जी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर अजमेर जा रहे थे। ससुराल अजमेर नामक गांव में लासा नामक गुजर महिला की गायों को बसाते हुए घायल हुए तथा एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मंदिर बनाया गया। तेजा जी सर्प रक्षक देवता हैं। गोगा जी को भी सर्प रक्षक, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। काला बाला यानी बीमारी होती है। हल जोतते समय किसान तेजा जी का गीत गाता है। दो हजार दस में तेजा जी पर डाक टिकट 2010 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया। उस समय सचिन पायलट राजस्थान के सूचना व प्रसारण मंत्री थे अजमेर से। तेजा जी की बहन बुंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। अब देव नारायण जी जो औषधि का देवता माना जाता है। जन्म स्थान आसिद भीलवाड़ा। इनका जन्म बागड़वत बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था।
पिता का नाम स्वाई भोज था। इन्हें देवनारायण जी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। ये जंत्रवादी यंत्र द्वारा गाई जाती हैं। इस फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी मुख्य मंदिर अंशित भीलवाड़ा जोधपुर या टोंक देवमाली अजमेर में देव बाबा मंदिर। मुख्य मंदिर नंगला जांच भरतपुर में है। देव बाबा पशु शिक्षक थे। उन्हें खुश करने के लिए सात गालों का भोजन करवाना पड़ता है। मेले भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी के दिन चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। अब मलिनाथ जी रानी रूपा देव के पति थे। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मुख्य मंदिर टिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पर होली के अगले दिन से शुरू होकर 15 दिन तक मलिनाथ जी पशु मेला होता है। मालानी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मलिनाथ जी भविष्यवक्ता थे। इनकी रानी रूपा देव का मंदिर माला जाल बाड़मेर में मलिनाथ तलिनाथ जी गंगोदेव राठौड़ औरण का देव था। ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। इनके गुरु जलंधरनाथ थे। मुख्य मंदिर पांचोटा जालौर में है। इन्हें औरण का देवता कहा जाता है। तलिनाथ जी को औरण का देवता। औरण मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ से पेड़ पौधे नहीं काट सकते उसे औरण कहते हैं। वह बिग्गा जी मुख्य मंदिर रिंडी बीकानेर गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। ये जाकड़ समाज जाट के कुल देवता। खेतला जी मुख्य मंदिर सोनाना पाली में मेला क्षेत्र शुक्ल एकम को लगता है। यहाँ पर अकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। खेतला जी हरी राम जी मुख्य मंदिर जारोड़ा नागौर के अंदर है। सर्प रक्षक देवता है। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। मंदिर में सांप की बाबी की पूजा की जाती है। बाम्बी सांप का पिता। जरड़ा जी बाबू जी के भतीजे थे। जिंद्रा खींची जायल का राजा को मारकर अपने पिता व सासा की हत्या का बदला लिया। मंदिर कोलुमन जोधपुर सिमुंदड़ा बीकानेर। इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ कहा जाता है। झुंझार जी जन्म स्थान इमलोहा सिक्कर श्यालोदड़ा सिक्कर गांव में गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तथा उसके तीन भाइयों की मूर्तियाँ बनी हुई है। रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। झुंझार जी का वीर फत्ता जी मुख्य मंदिर शांतु जालौर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। आलम जी मुख्य मंदिर धोरीमीना बाड़मेर में। आलम जी को घोड़ों का रक्षक देवता कहा जाता है। आलम जी जैतमालोत राठौड़ थे। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे। इन्हें भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मामा देव ये बरसात के देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता है बल्कि इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसों की बलि देनी पड़ती है। डूंगर जी या जवाहर जी बाठोट
पाठोदा सिकर गांव के सामंत थे तथा अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। उन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद की सावनी लूट ली थी। प्रमुख सहयोगी लोहट जी जाट, करणा जी मीणा। सर्प रक्षक देवता में गोगा जी है, तेजा जी है, हरियम जी है और केसरिया कुवरी जी है। इसी के साथ राजस्थान के लोक देवी देवताओं का जो भी टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ मिलते हैं अगली और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।